लाइव आ चुके हैं हम लोग पहला वनडे मैच खेला जा रहा है टॉस हो चुका है और टॉस का अगर अपडेट दे दूं तो उसमें न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है और आज अशदीप सिंह और हुरान मलिक डेब्यू कर रहे हैं तो विपिन सर क्या लगता है कि क्या चांसेस है टी वाला फॉर्म आज भी कंटिन्यू रहेगा या फिर सबसे पहले तो, तो तुमने सुबह सुबह एक तो शिफ्ट बदलवा दिया आज इस मैच के चक्कर में न्यूजीलैंड में होने वाला है और हिंदुस्तान में लोगों की रातों की नींद खराब कर दी है क्योंकि मैच है इंडिया का तो सब लोग देखने के लिए जागेंगे बहुत जल्दी और एक अपडेट भी आपने अच्छा दिया कि टॉस हो चुका है और प्लेइंग इलेवन में भारतीय टीम में दो तो ऐसे खिलाड़ियों का डेब्यू हो रहा है वनडे टीम में एक खिलाड़ी को हम तो लगातार टी साइड में देखते आ रहे हैं अर्शदीप सिंह और दूसरे खिलाड़ी उमरान मलिक जिनको लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी रवि आप अपना माइक अगर म्यूट कर लेंगे हाँ तो, तो उमरान मलिक इन्हें लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी और जो हाल में टी सीरीज हम लोगों ने एक जीरो से जीती है आ, उसमें भी ये बहुत ज्यादा जिक्र था कि उमरान मलिक को मौका क्यों नहीं मिला बहुत सारे लोग ट्विटर पर इस चीज़ को ट्रेंड करा रहे थे रवि आप और हम लोग ही वो खबरें बना रहे थे कि ट्विटर पे जनता क्या बोल रही है कि उमरान मलिक को मौके क्यों नहीं दे रहे हैं भाई आप जब आप लेके गए हैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ कि उसके बाद इतने सारे सवाल उठने लगे कि भारतीय टीम को अब आगे की तरफ देखना चाहिए अब उन खिलाड़ियों से आगे बढ़कर सोचने का वक्त आ गया है जो लंबे समय से खेल रहे हैं और टी क्रिकेट युवाओं का खेल है खास तौर पे इस तरीके की आवाजें उठी उसके बाद टी ट्वेंटी बहुत सारे बदलाव हुए विराट कोहली रोहित शर्मा के एल राहुल को आराम दिया गया बहुत सारे यंगस्टर्स आए आ, टीम के साथ जुड़े लेकिन उमरान मलिक और संजू सैमसन जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग इलेवन अब वनडे में चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है उमरान मलिक को ऑकलैंड के मैदान पर आज इस्तेमाल करेगी भारतीय टीम शिखर धवन की कप्तानी में हम ये सीरीज़ खेल रहे हैं सबसे पहली बात आप लोगों को ये बता दें क्योंकि शिखर धवन अब उसी तरीके के कप्तान हो गए ना कि आपके पार्ट टाइम कैप्टन जब कोई नहीं तो शिखर सही ये तो टैगलाइन टाइप हो गई कोई नहीं तो शिखर सही आ, क्योंकि कोई नहीं है तो ठीक है शिखर धवन कप्तानी कर लेंगे लेकिन शिखर धवन वही खिलाड़ी है इस टीम के जिनकी जगह कभी फिक्स नहीं है जब टीम का ऐलान हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ वनडे के लिए उसमें भी शिखर धवन टीम के साथ है लेकिन उसमें के एल राहुल और रोहित शर्मा भी है तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी दुविधा हो गई कि अगर शिखर धवन को भी आपने रखा है के एल राहुल को भी रख लिया तो आप ओपनिंग किसके साथ करेंगे तो ऐसे बहुत सारे सवाल अभी रहेंगे लेकिन प्लेइंग इलेवन मैं सबसे पहले रवि अगर प्लेइंग इलेवन आपकी नजर में आ गया हो अभी आ, प्ले, हाँ न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन दोनों टीम्स की आ चुकी है तो इंडियन टीम की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे शिखर धवन खेल रहे हैं शुभमन गिल रहे हैं उसके साथ श्रेय सैयद सूर्य कुमार यादव ऋषभ पंत संजू सैमसन का आज मौका मिला है वॉशिंगटन सुंदर हो गए शार्दुल ठाकुर हो गए उमरान मलिक अर्षदीप सिंह और युजवेंद्र चहल युजवेंद्र चहल जो भी टी ट्वेंटी में मतलब उनको मौका नहीं मिल पाया था उसको लेके भी काफी बातें हुई थी लेकिन आज युजवेंद्र चहल को भी मौका मिला है वहीं न्यूजीलैंड के प्लेइंग की बात करें तो फिन डेवन केन विलियमसन टॉम लेथम ग्लेन फिलिप मिशेल सैन्टना एडम मिलने मैट हेन्नी टीम साउदी और लॉकी फर्ग्यूसन विपिन इस बार आप अगर न्यूजीलैंड की लाइनअप को खासकर देखो तो ये लोग चार सीमर के साथ जा रहे हैं इस टीम में तो क्या लगता है कि मतलब वो कंडीशन के अकॉर्डिंग मतलब वहाँ की कंडीशन तो फेवरेबल होती ही है फास्ट बॉलर को तो वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं क्योंकि ये जो वनडे uh, मतलब वनडे सुपर लीग जो आगे होने वाला है उसमें इंडियन टीम तो ऑलरेडी क्वालिफाई है वनडे uh, मतलब एक होस्ट नेशन होने के साथ साथ भी वो मतलब रैंकिंग में भी टॉप पे है वही न्यूजीलैंड इसमें छठे नंबर पे है तो क्या न्यूजीलैंड की टीम चाहेगी मतलब वो भी वेल well हैं है क्वालिफाई हो जाएंगे लेकिन वो चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके जो अपना क्वालिफिकेशन को पक्का कर लिया जाए तो क्या लगता है कि उसी को ध्यान में रखते हुए ये टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रही है हाँ देखिए कोई भी जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं बड़ी टीम होते हैं तो आपको सारी चीज़ों का आप ध्यान में रखते हुए मैदान पे उतरते हैं आ, सिर्फ कोई एक सिनारी ऐसा नहीं होता कि जिसके ऊपर आप सोच रहे हो और या फिर आप सिर्फ इस वनडे सीरीज़ में खेलने जा रहे हो तो आप इस वनडे सीरीज़ के बारे में ही सोच रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरीके से उनके जहन में चीज़ होगी कि हम अगले विश्व कप के लिए किस तरीके से क्वालिफाई करते हैं आ, इस चीज़ पर उनकी पूरी नज़र होगी कि इस इंडियन टीम के खिलाफ हमें कैसा वनडे खेलना है क्योंकि जब आप 2023 में जाएंगे विश्व कप खेलने के लिए वनडे विश्व कप तब वहां पे आपको इसी भारतीय टीम के खिलाफ इन्हीं भारतीय कंडीशंस में जाके आपको खेलना होगा ऑकलैंड के मैदान पर तेज गेंदबाजों के लिए हमेशा से विकेट मददगार रहा है और वो ये बात जानते भी हैं इसीलिए उनके कप्तान ने टॉस जीता और सबसे पहले उन्होंने तुरंत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया क्योंकि एक चीज और है कि इस इंडियन बैटिंग लाइनअप के सामने केन विलियमसन बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि पहले वो बैटिंग करे और पहले इंडियन टीम को ये बता दे कि इतना स्कोर आपको बनाना है उनकी पूरी रणनीति और पूरी सोच चाहिए कि पहले भारतीय टीम को खिलाओ आपने जो पेस अटैक उतारा है उससे उनके बल्लेबाजों को परेशान करो मुश्किल में डालो और फिर आप उस टारगेट को चेस करने के लिए जाओ अगर शिखर धवन की बात करें फिर से अगर शिखर धवन पे वापस आए तो शिखर धवन को जैसा देखा गया है कि आपने भी कहा कि टीम में इन एंड आउट होते रहे वनडे टीम में कहीं ना कहीं उनको मौका मिलता रहा है तो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप होने वाला है तो क्या लगता है कि उसको ध्यान में रख के शिखर धवन अभी क्या जो मतलब अभी की अगर बात करें तो शिखर धवन को आप देखते हैं क्या कि अगले साल वर्ल्ड कप में मौका मिल सकता है क्योंकि इंडियन टीम में जो मतलब ओपनिंग बैटिंग की बात की जाए या टॉप ऑर्डर की बात की तो शिखर धवन को, को रखा गया है, तो क्या वैसा ही नहीं, पार्ट कैप्टन कहा है मैंने रवि पार्ट टाइम प्लेयर नहीं लेकिन अगर आप मुझसे पूछना चाहें मतलब मैं अपना क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता कि टीम मैनेजमेंट उनको रखेगा या नहीं मेरे सोर्सेज जो है इतने ज्यादा करीबी नहीं है बीसीसीआई के लेकिन हाँ हाँ मैं अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि आप शिखर धवन को टीम में देखना चाहते हैं या नहीं विश्व कप में तो मैं आपको वही चीज़ कहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि शिखर धवन वनडे टीम के लिए सबसे उपयुक्त ओपनर इस टीम के साथ हैं मैं उन्हें रोहित शर्मा और के राहुल से भी आगे रखूँगा अगर एज अ ओपनर आप बात करेंगे तो वनडे टीम में क्योंकि कंसिस्टेंटली वो रन बना रहे हैं जब तेज खेलना होता है वो तेज भी खेलते हैं आ, शायद मुझे लगता है शिखर धवन को भारतीय वनडे टीम के की ओपनिंग करनी चाहिए विश्व कप में भी और लगातार अब उनको एटलीस्ट वनडे टीम से आप उनको कभी ड्रॉप मत कीजिए वनडे टीम उनको लगातार खिलाइए आपके पास वक्त है अभी अगले साल तक का तो आप वहां पे इस टीम को कम से कम ऐसे प्लेयर्स के को बैक कीजिए जिनको आपको खिलाना हो अगले साल विश्व कप में और लगातार खिलाइए अब वो ब्रेक देने वाली बात या इस खिलाड़ी को आराम देने वाली बात क्योंकि आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं आ, हर फॉर्मेट में एक साथ नहीं खेल रहे हैं तो अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो आपके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहा है तो उसको एटलीस्ट आप लॉन्ग रन के लिए खिलाइए और इस बैटिंग लाइनअप में शिखर धवन के अलावा आप ओपनिंग में देखेंगे तो शुभमन गिल है ऋषभ पंत नंबर तीन पे दिख रहे हैं श्रेय सैयद चार सूर्य कुमार यादव पांच संजू सैमसन छ सात पे वॉशिंगटन सुंदर और आठ पे शार्दुल ठाकुर नंबर आठ तक इस टीम के पास बल्लेबाजी है अगर आप बैटिंग की बात करें तो बैटिंग हैवी साइड है ये और मुझे लगता है कि संजू सैमसन को भी आज जो मौका दिया गया इस चीज पर भी मैं काफी समय से कह रहा हूँ कि मुझे संजू सैमसन अगले साल वनडे विश्व कप में खेलते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन अभी कहना हुआ जल्दबाजी होगा क्योंकि जिस तरीके से टीम मैनेजमेंट कभी कभी फैसले ले लेता है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है संजू तो मतलब, को टीम में तो जगह उन मौकों को भुनाना चाहिए जितना बेहतर तरीके से वो भुना पाए ताकि आगे चल के उनके लिए और रास्ते खुले अब कुछ यूजर्स के भी कमेंट ले लेते हैं बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो उसमें नरेंद्र सहगल कह रहे हैं जैसा चलता आ रहा है आईपीएल के बाद से ही, ठीक है, एक दो मैच में उनको, मौका मिला, फिर उसके टीम से उनको बाहर कर दिया गया तो उमरान मलिक को लेके जो क्रेज ला है जो उनकी स्पीड को लेके लगातार बात हो रही है फिर बात वहीं पर लाइन लेंथ की आई थी कि उनकी लाइन ले उनको काफी वर्क करना होगा तो फिर ये जो अभी उनको टाइम मिला है चार पांच महीने जो मतलब पीछे इनका टाइम मिला है तो क्या लगता है कि उमरान मलिक ने इसमें कुछ सुधार किया होगा उमरान मलिक को फिर वैसा उमरान मलिक देख पाएंगे जो जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल के कुछ मैचेज में परफॉर्मेंस सीजन में भी उन्होंने बाईस विकेट जो लिए थे तो वैसा उमरान मलिक हमें देखने को मिलेगा देखिए रवि बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूँ उमरान मलिक की जो एज है अभी वो सिर्फ तेईस साल के हैं उनको आपने कितने मौके दिए अभी उनको इतने ज़्यादा मौके नहीं दिए गए हैं कि हम उनकी परफॉर्मेंस को लेकर इतनी ज़्यादा डिबेट करें कि मतलब अभी उनको बहुत कुछ वो नहीं कर पा रहे इंडियन टीम के लिए आप पहले उनको मौके दीजिए एटलीस्ट आप सिर्फ आईपीएल के बिहार पे सोचते हैं कि हमने उमरान को बहुत ज़्यादा खेलता हुआ देख लिया है आईपीएल की कंडीशंस में और इंटरनेशनल क्रिकेट की कंडीशंस में बहुत फ़र्क होता है और ऐसे कितने ही क्रिकेटर्स हमने देखे हैं जो आईपीएल में लगातार अच्छा करते थे लेकिन जब भारतीय टीम की बात आई तो वहाँ पे जाके उनका प्रदर्शन उस लेवल का नहीं रहा लेकिन आपको वो मौके देने होंगे जब ये बात हो रही थी उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए टी ट्वेंटी विश्व कप में भारतीय टीम के साथ तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आप उस खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में हमेशा खिलाएंगे आप उसको प्लेइंग इलेवन में वर्ल्ड कप के होना चाहिए लेकिन जब आप एक ऐसे खिलाड़ी को स्कॉट के साथ भेजते हैं भारतीय टीम के दल के साथ भेजते हैं वो वहां पे चीजें समझते हैं सीखते हैं कि ताकि भविष्य में अगर ऑस्ट्रेलिया में जब आपको दोबारा जाकर खेलना हो तो वो उन कंडीशन के लिए वो प्लेयर तैयार हो सके वो समझे वो उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बन सके कि वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं या मेरे से जो सीनियर गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी हो भुवनेश्वर कुमार हो वो उस ड्रेसिंग रूम में क्या करते हैं किस तरीके से वो अपनी तैयारी करते हैं तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है लेकिन आपने उस खिलाड़ी को स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया और अब एटलीस्ट मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं सोच रहा हूँ कि मलिक आज पांच विकेट लेंगे या दो विकेट लेंगे एक विकेट लेंगे मलिक को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया अच्छा बिल्कुल विपिन एक और कंसर्न जो है मतलब जो आप इस प्लेइंग अगर आप देखें ध्यान से फिफ्टी ओवर का मैच है तो इस प्लेइंग इलेवन में आपके जो बोलर्स की बात की जाए तो ऐसे पांच ही बॉलर्स हैं जो मतलब आपके कोटे के दस दस ओवर्स डाल सकते हैं मतलब इसके अलावा मुझे कोई बॉलिंग ऑप्शन दिख नहीं रहा है वॉशिंगटन सुंदर हो गए शार्दुल ठाकुर उमरान मलिक अर्दीप सिंह और युजवेंद्र चहल इसके बाद कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है ना तो संजू सैमसन सूर्य कुमार यादव श्रेयस सैयद ऋषभ पंत शुभमन गेल और शिखर धवन इस टीम में एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो मतलब एक भी ओवर डाल सकता है तो उस चीज में अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सपोज किसी भी बॉलर का मतलब होता है कि किसी का भी अगर बैड डे रहा कोई अगर परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाया तो आपको क्या लगता है कि फिर उस कंडीशन में उस सिचुएशन में इंडियन टीम क्या करेगी इनके पास तो कोई वैसा ऑलराउंडर है ही नहीं या ऐसा मतलब टॉप ऑर्डर में जो पहले बैट्समैन होते थे जैसे रोहित शर्मा का भी बोल डाल लेते थे, थे अगर पीछे और जाए तो वीरेंद्र सहवाग सचिन तेंदुलकर हर एक मतलब इंडियन टीम के साथ ये कंसर्न इधर आके मतलब कंटिन्यू होता रहा है जिसको लेके बात भी हो रही है तो पहले हमारे पास ऑप्शन होते थे अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है आप अगर टीम में देखो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है देखिए वही तो चीज है ना रवि हाल में साइमन डोल ने एक बात कही थी अः कि भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है ना उसमें मुझे कोई समस्या नजर नहीं आती लेकिन मुझे समस्या नजर आती है उनकी गेंदबाजी में गेंदबाजी में भी समस्या ये नहीं है कि आपके गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे आपके पास अच्छे गेंदबाज नहीं है गेंदबाजी में भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके जो बल्लेबाज हैं जो स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं वो आपके कप्तान को दो चार पांच ओवर भी नहीं दे पा रहे आप अपने कप्तान की मदद नहीं कर रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर क्यों गेंदबाजी नहीं करते हैं ऑफ स्पिन गेंदबाजी वो क्यों नहीं कर सकते या फिर संजू सैमसन तो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं लेकिन फिर भी अगर वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, तो एक आधा ओवर वो क्यों नहीं फेंक सकते या फिर सूर्य कुमार यादव क्यों नहीं फेंक सकते तो हमारे जितने भी बल्लेबाज हैं इन लोगों को ये बात समझ नहीं होगी रवि यार हम लोग खुद याद है हम वैसा ही क्रिकेट देखकर बड़े हुए हैं जब ऐसे कितने ही स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो आ, या फिर सौरव गांगुली हूं सबने सबने अपने गोटे के ओवर किए हैं और कप्तान को जब जरूरत पड़ी जब आपके बाकी गेंदबाज अच्छा नहीं कर रहे और कप्तान को लगा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस होने चाहिए मोमेंटम तोड़ना चाहिए वो जो पार्टनरशिप सामने वाली टीम की बन रही है जो सामने वाली टीम हम पे हावी हो रही है जब भी 40-50 रन की पार्टनरशिप होती थी सामने वाली टीम की जब विकेट दस बारह ओवर नहीं निकलते थे तब कप्तान सौरभ गांगुली सचिन को ले आते थे या खुद आ जाते थे या वीरेंद्र सहवाग को गेंदबाजी करने के लिए बोलते थे वो भी दौर था जब हेमंग बदानी और ऐसे कितने ही प्लेयर्स थे जो जाकर वहां पे गेंदबाजी किया करते थे भारतीय टीम के लिए लेकिन अब अगर आप देखेंगे आज की टीम तो आप फिर ऑलराउंडर तलाशते हैं कि हमारे पास ऑलराउंडर कितने देंगे कोई भी ऐसा बल्लेबाज तो नजर नहीं आता जो कहे कि जी मुझसे आप एक या दो ओवर या तीन ओवर गेंदबाजी करा लीजिए तो ऐसी बहुत सारी चिंताएं हैं और इस बैटिंग लाइनअप के अंदर भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं अगर कप्तान की जरूरत हो तो और बात टी ट्वेंटी क्रिकेट के लिए कही थी वहां जितनी जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी मुझे चार पांच ओवर को मार पड़ गई तो पांच ओवर गेंदबाजी कराना ये बहुत डिफिकल्ट है किसी भी कैप्टन के लिए कि मैं पांच ओवर क्या करूं तो ऐसे में जरूर आगे आना ही पड़ेगा बाकी जो हमारे बल्लेबाज हैं जो कर सकते हैं गेंदबाजी कहीं ना कहीं उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी बिल्कुल उस टाइम पे तो वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह आके हमारे लिए मतलब जब टीम को ब्रेक थ्रू की जरूरत होती थी ये दोनों आके विकेट्स ले लेते थे, थे या सचिन तेंदुलकर भी जिस तरीके से बॉलिंग करते थे फिर से यूजर्स के कमेंट पे आते हैं तो यहाँ पे अभय हमसे पूछ रहे हैं अभय यादव उनका नाम है अभय हमसे पूछ रहे हैं कि संजू सैमसन को टीम में मौका क्यों नहीं मिला है तो अभय आपको बताते कि संजू सैमसन आज के मुकाबले में खेल रहे हैं उनको टीम में मौका पहले नहीं मिलता था तो उसको लेके काफी बातें हो रही थी लेकिन आज उनको मौका दिया गया है और उम्मीद है कि आज संजू सैमसन से जैसी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि वो 2015, 2016, 2015 2016, में उन्होंने डेब्यू किया था उसके बाद से उनको उतने ज्यादा चांसेस मिले नहीं है जिसको लेके लगातार बात होती रही है तो ठीक है अब ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे वो एक मैच्योर प्लेयर की तरह हो चुके हैं अब वो मतलब उनको उस तरीके से एक यंगस्टर की तरह वो काउंट नहीं किया जाएगा जो ियंस है तो आप संजू सैमसन हमारी टीम में आए हैं तो उम्मीद हम ऐसा कर रहे हैं कि संजू सैमसन को मौका मिला है तो वो अच्छा करेंगे जिस तरीके की हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मोहम्मद नौशाद गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग भाई आ,

इतनी है कि अगर ये मैच जनवरी में भी हो रहा होता तो भी हम जो आउट के देख रहे होते लेकिन वो एक्साइटमेंट ठीक है लेकिन आप एटलीस्ट वो जो सुबह 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 इतनी ठंड होती है मौसम एकदम सुनहरा होता है उस वक्त आप कोशिश करते हैं कि आप बेड में रहें आप अपने ब्लैंकेट में रहें और इतने बढ़िया मौसम का टीवी पर मैच का लुत्फ उठाए घर में एक चाय का कप लेकर लेकिन फिर आपको रविराज जी का ऑर्डर फॉलो करते हुए ऑफिस पहुंचना होता है कि नहीं आपको ऑफिस आना होगा क्योंकि ललन टॉप स्पोर्ट्स के जो सत्तर हजार सब्सक्राइबर्स हैं या लल्न टॉप के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इंतजार करेंगे कि भारत न्यूजीलैंड मैच की जो बात होगी उसकी चर्चा हम लोग करनी होगी इसीलिए आप और बिल्कुल देखिए कि वो भी मतलब वो भले ही बिस्तर पे वो लोग हैं लेकिन उन्होंने भी मतलब एकदम सुबह जग के वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं आपके आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं तो विपिन सर आपसे मतलब लोग इतना प्यार करते हैं तो उसके लिए तो आपको ऑफिस आने में भी क्या हर्ज है कभी कभी तो आना होता है और मैच की बात जहाँ तक है तो उसके लिए तो रहना ही होता है वापस वापस फिर से मैच पे आते हैं तो अब मतलब केन विलियमसन को लेके न्यूजीलैंड की बात करें तो केन विलियमसन को लेके बात हो रही थी कि क्या वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे उसको लेके मतलब एकदम डाउट था केन विलियमसन को फिर से मतलब वो टीम में वापस आए हैं उन मतलब टी ट्वेंटी में उनके फॉर्म को लेके या जिस तरीके से उन्होंने खेल दिखाया था तो उसपे भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे कि केन विलियमसन टी में मतलब अब वैसे प्लेयर नहीं है उनका मतलब वो जो स्ट्राइक रेट जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे वो बार बार टीम के लिए प्रॉब्लम बनती जा रही थी लेकिन फिर वनडे फॉर्मेट में वही आ जाते हैं तो केन विलियमसन डिफरेंट प्लेयर हो जाते हैं या टेस्ट की बात करें तो वो एक डिफरेंट प्लेयर हो जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम से कौन सा ऐसा प्लेयर होगा मतलब सिर्फ एक तो नहीं लेकिन कौन ऐसे से ऐसे प्लेयर्स होंगे जिससे हमारे इंडियन टीम को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है इंक्लूडिंग केन विलियमसन देखिए उस टीम के पास ऐसा नहीं है कि क्लियरसी कमी है और किसी तरीके की न्यूजीलैंड की टीम जो है अगर टी ट्वेंटी सीरीज हार गई है तो वो वनडे सीरीज में भारतीय टीम पे हावी नहीं हो सकती पूरा दम है क्योंकि न्यूजीलैंड का मैदान है ऑकलैंड का मैदान है और भले ही वर्ल्ड चैंपियन ना हो लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब के करीब तक पहुंचने वाली टीम है वनडे में तो आपको बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है सबसे खत, अग्रेसिव अप्रोच के उनके प्लेयर फिन एलन और विश्व कप में शुरुआती मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी उसके बाद कंसिस्टेंटली नहीं कर पाए तो उनसे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है बाकी वनडे क्रिकेट के लिहाज से तो इनके पास जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत खतरनाक है रवि चाहे कप्तान केन विलियमसन हो चाहे डेल मिचल हो और चाहे देवन कॉनवो हैं ये सब वो प्लेयर्स हैं जो वनडे क्रिकेट में बहुत खतरनाक हो सकते हैं और आप इनकी बैटिंग भी उठा के देखेंगे तो नंबर सात तक इनके पास भी ग्लेन फिलिप्स भी नज़र आ जाते हैं मिथ सेंटनर भी नज़र आ जाते हैं और गेंदबाजी में खासतौर पे टिम साउदी और लौकी फर्ग्यूसन ऐसी कंडीशंस के माहिर गेंदबाज हैं तो आपको कहीं ना कहीं पूरी टीम से सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि एक अच्छी टीम उतार है लेकिन एक मेरा एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ यार ये दीपक हुडा है ना हम लोगों की प्लेइंग सॉरी ओडीआई टीम के अंदर ओडीआई टीम का पार्ट दीपक हुडा है लेकिन उनको प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया गया तो एक यही बदलाव मैं इस टीम में देख सकता था कि आप ऋषभ पंत की जगह दीपक हुडा को या फिर किसी और प्लेयर की जगह पे दीपक हुडा को ट्राई कर सकते थे अगर वो आपके पास है तो क्योंकि जो आपका एक सवाल है ना रवि के गेंदबाजी कौन करेगा वो वाला सवाल भी यहाँ पे सॉल्व हो सकता था अगर दीपक हुडा इस टीम के साथ होते तो लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने टी सीरीज में बॉलिंग की है और हार्दिक पांड्या ने उस टाइम कहा भी की दीपक हुडा को मतलब खिलाने के पीछे की एक यही वजह थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं हमारे जो बैट्समैन है वो भी बॉलिंग कर सके जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बॉलर हम मैच में पांच वैसे जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन रहे तो वो चीज है नहीं और आपने बहुत बिल्कुल सही बात कही कि दीपक हुडा को इस टीम में होना चाहिए था चाहे वो ऋषभ पंत की जगह आप खिला लेते और ऐसा मतलब इस टीम को देखने के बाद तो वही लगता है कि आप रेस्ट और किसको दे सकते थे को नहीं दे सकते हैं सूर्य कुमार यादव जिस फॉर्म में है तो उनको नहीं देना संजू सैमसन को है तो आप शिखर धवन शुभमन गिल इनको नहीं हटा सकते तो बस बचते वही है ऋषभ पंत लेकिन ऋषभ पंत अगर ऋषभ पंत की बात करें तो वो सिर्फ वनडे और टी दोनों फॉर्मेट में वो एक अलग प्लेयर है वनडे में उनका रिकॉर्ड उतना खराब नहीं है उनका परफॉर्मेंस उतना भी खराब नहीं है, 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 है क्योंकि हम मतलब अपनी प्लेइंग एलेवन को देखते हैं कि किस तरीके से हमें रखना है जो एक बैलेंस बना रहा है तो उसमें तो आज अगर आपने ऋषभ पंत को खिलाया है तो कहीं बैलेंस बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पंत को खिला रहे हो आपके पास आप आपके असर से बॉल डलवाओगे या गिल से बॉल डलवाओगे क्योंकि कोई और ऐसे प्लेयर नहीं है जो बोल डाल सकते हैं बिल्कुल ये बात आपकी सही है और आप एक चीज और देखोगे ना क्योंकि इस टीम में मैंने ऋषभ पंत का नाम इसलिए लिया दीपक हुडा की जगह पे इस टीम में दो विकेट कीपर बल्लेबाज खेल रहे हैं ठीक है तो वही एक विकल्प नज़र आता है कि जहां पे आप या तो फिर आप संजू को बिठाइए या ऋषभ पंत को बिठाइए दो में से किसी एक प्लेयर को बिठाइए तो दीपक हुडा आपके प्लेइंग एलेवन में आ सकते हैं वरना उसके अलावा और कोई जगह मुझे नहीं नज़र आती इस टीम के अंदर आ, क्योंकि दीपक हुडा आपके लिए ओपन नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं हो सकता कि शुभमन गिल की जगह पर उनको खिला लिया जाए शुभमन गिल की भी करंट फॉर्म बहुत अच्छी रही है चाहे वो हालिया विजय हजारे ट्रॉफी में रही हो या उससे पहले की सीरीज आप देख ले उठा के तो मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत की जगह के अलावा और कोई जगह बनती थी लेकिन फिर भी पहला ओडीआई है और बीता दिन जैसा गुजरा है ऑकलैंड में बारिश की वजह से तो आज पूरा मैच अगर होता है तो हमें अच्छे से देखने को मिलेगा कि हमारे प्लेयर्स आ, कितने अच्छी फॉर्म में हैं कितनी अच्छी तैयारी के साथ हैं और आने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए क्योंकि आने वाले भारत बहुत ज्यादा वनडे क्रिकेट खेलने भी वाला है विश्व कप के नजरिए से तो मुझे लगता है कि ये सीरीज काफी अहम होने वाली है और रवि एक चीज़ और हमारे दर्शकों को बता दें कि सिर्फ आज ही नहीं पूरी वनडे सीरीज़ का कवरेज आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स पर मिलेगा ललन टॉप पर मिलेगा और रोज़ जब भी जिस दिन भी मैच होगा जैसे दूसरा वनडे जो है खेला जाना है सत्ताईस तारीख को और उसके बाद फिर एक और वनडे तीसरा वनडे खेलेंगे उस वक्त भी हम लोग लाइव होंगे और मैच की चर्चाएं होंगी और मैच के दौरान लगातार मैं और रवि पूरे मैच पर नज़र रखेंगे क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है क्या बढ़िया घट रहा है सिर्फ रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स ही नहीं उसके अलावा भी मैच में जो भी बढ़िया चीजें होंगी उसकी कॉपीज आपको लगातार उससे जुड़े हुए वीडियोस आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स पर मिल जाएंगे तो आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं हम लोग सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं लगातार फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर हम लोग इंस्टेंट अपडेट्स देते रहते हैं क्या कुछ मैच में चल रहा है या क्या घटनाएं हो रही हैं और किससे कहानी इंटरव्यूज जैसी चीजें आपको हमेशा हमारे चैनल पर मिलती है तो ये तमाम पूरा अपडेट और पूरी इस सीरीज को कवरेज करेंगे पूरे जोश के साथ जितना हाई जोश आज है सुबह सुबह तो उम्मीद यही करेंगे कि आप सब लोग जुड़े रहेंगे ललन टॉप स्पोर्ट्स के साथ क्यों रवि बिल्कुल और साथियों से कहना चाहेंगे कि अब विपिन सर तो सुबह सुबह इतनी जल्दी आ रहे हैं देख रहे हैं कि आप उनका दर्द एकदम सामने बाहर आ रहा है कि नहीं यार मतलब इतनी सुबह ठंड है लेकिन फिर वही है कि जो आप भाई लोगों का प्यार है विपिन सर उससे कैसे रह सकते हैं उनको रहा नहीं गया कल ही शाम से उन्होंने कह दिया था कि नहीं सुबह तो लाइव करेंगे भले ही मुझे दूर से ही आना है तो क्या हो गया पहुंच तो जाऊंगा ही मैं मैच से पहले और लाइव रहेगा तो ऐसा ही विपिन सर फिर आपके साथ अगले दो मैच में भी हमारे साथ रहेंगे हमारी भी कोशिश रहेगी और हमारे जो साथी हैं बाकी गरिमा पुनित और सूरज तो कोशिश रहेगी कि ये लोग भी मतलब आपसे आते रहेंगे बीच बीच में लाइव करते रहेंगे और आपको अपडेट्स देते रहेंगे बाकी अगर आप जो किस्से कहानियाँ या डेली न्यूज अपडेट्स डेली स्पोर्ट्स की अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पे आ सकते हैं और बाकी हमारे सोशल मीडिया चैनल के बारे में विपिन सर ने आपको बता ही दिया है तो चलिए फिर अब मैच शुरू होने वाला है तो अब फिर से मिलते हैं आपसे